नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। आपने प्रगति मीडिया ज्योतिष संस्थान की टीम की तरफ से काफ़ी वीडियो देखी होंगी, जिसमें हमने नाम से संबंधित व कुछ ऐसी ज्योतिष से संबंधित भी वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सके। आपको वह जानकारी देने का हमने पूरा प्रयास किया था कि जिसमें आपको फ़ायदा हो सके व आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको आसानी मिल सके। अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर उन नामों से संबंधित है तो आप उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर व उसका आपके प्रति कैसा स्वभाव रहेगा वह बाकी बातें भी आप पता लगा सकते हैं। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां आप कई नामों की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जिस नाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह बहुत ही प्रचलित नाम है और लोगों में हमेशा मिलता जुलता रहता है। जिस नाम के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है अजय। अजय नाम के व्यक्ति कैसे होते हैं और उनकी स्टडी कैसी रहती है, वह जॉब या बिजनेस क्या करते हैं, उनकी हॉबीज क्या होती हैं, उनको फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है, वह उनका संघर्ष कितना रहता है, उनकी हाउस वाइफ कैसी रहती है, उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनका पास्ट प्रजेंट और फ्यूचर वह किस तरह का रहेगा, इसी संबंधित में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर जिसका नाम अजय है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर जिसका नाम अजय है उसकी जानकारी आप यहां से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। यहां से आपको वह जानकारी मिल पाएगी जिससे आप उनसे आपको किस तरह का व्यवहार रखना है, उनके साथ में अगर आपको डीलिंग करने जा रहे हैं या आप उनके साथ में कोई रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए वह कैसे रहेंगे व उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो आपके साथ में मैच करते हैं या नहीं करते, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में आपको पता लग जाएंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि अजय नाम का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जानते हैं कि अजय नाम का मतलब क्या होता है। अजय की अगर बात करें तो अजय नाम की जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि। राशियों में बता दूं कि राशियां 12 तरह की राशि होती है, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती है। इन 12 राशियों में ही हमारी पूरी दुनिया समेटी हुई है। इनसे ही हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट पता लगता है, इससे ही हमारा कर्म पता लगता है। तो अजय नाम की जो राशि होती है वो मेष राशि होती है और इनका जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। मंगल स्वामी होता है तो उनने हमेशा मंगल से ही, आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, मंगल हमेशा गुस्से का प्रतीक रहा है तो उनको, अजय नाम के व्यक्ति को हमेशा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उन्हें अगर जब गुस्सा आता है बहुत अच्छा खासा आता है और बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आता है और गुस्से में कई ऐसे काम भी कर जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे। और उनके शरीर की बात करें, उनके राशि के हिसाब से शरीर की बात करें तो उन्हें किसी ना किसी तरह की परेशानी बनी रहती है, या तो सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, या कहीं ना कहीं उन्हें किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई रोग उन्हें हमेशा सा लगा रहता है। रोग नहीं होता है तो बॉडी एक ऐसी बन जाती है जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है, या उनके बॉडी पर काफ़ी इफेक्ट मंगल का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं अजय नाम के मतलब की और उनके स्टडी, फ्रेंड्स और उनके जॉब या बिजनेस या हॉबीज या उनके फैमिली सपोर्ट से संबंधित स्ट्रगल उनका कैसा रहेगा, उनकी लाइफ कैसी रहेगी और उनका जो जीवन रहता है वो कैसा रहेगा, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो कैसा रहेगा, इन संबंधित भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जानकारी आपको बता दें, हमने ज्योतिष के द्वारा व साइकोलॉजी के द्वारा ही हमने ये जानकारी प्राप्त की है। आप भी अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, वो आपको क्वेश्चन के आधार पर हम बता देते हैं। तो अजय नाम के व्यक्ति के बारे में बात करें तो अजय नाम के व्यक्ति के बारे में हमने बताया कि जो कभी हार नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति कभी हार नहीं मानते हैं। अगर वो किसी काम में लग गए तो उसे वो पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं को उनको वह कार्य पूरा ही करना है। इसके लिए वो जी और जान लगा देते हैं, दिन रात लगा देते हैं और काम में, पहली बात तो वो किसी काम को जल्दी पकड़ते नहीं हैं,
किसी काम को, ऐसा नहीं कि कोई उनके पास काम आया तुरंत उन्होंने उसको कैच कर लिया और तुरंत उस काम पे लग गए। वो पहले वेरीफाई करते हैं, उनको लगता है कि सही है तो ही वो उस काम में लगते हैं और पूरा जीव जान से लगते हैं। लेकिन कई बार उनके फैसले भी गलत हो जाते हैं, कई बार वो जल्दबाजी में या जो वो कई ऐसे गलत फैसले भी ले लेते हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे, या ऐसे कई काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। अगर उनकी स्टडी के बारे में बात करें, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, तो पढ़ाई लिखाई उनकी काफ़ी अच्छी होती है और अजय नाम के जो व्यक्ति की जो पढ़ाई लिखाई देखी गई है, उनकी जो पढ़ाई होती है वो पूरी देखी गई है। पूरी का मतलब होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद में भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आगे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अजय नाम के व्यक्ति में ये भी देखा गया है कि वो अपनी फैमिली की वजह से या किसी रीजन की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर वो पढ़ना चाहे तो अपनी पूरी पढ़ाई को वो पढ़ सकते हैं। इसमें हम सूर्य की भी रेखा को देख सकते हैं, हाथ की रेखा से, कि व्यक्ति कितना पढ़ना चाहता है या कितना नहीं पढ़ना चाहता है। पढ़ाई पूरी होती है अगर वो बीच में छोड़ते हैं तो उनकी वो इच्छा होती है। अगर उनके जॉब या बिजनेस की बात करें तो अजय नाम के व्यक्ति जो देखे गए हैं वो ज़्यादातर फोकस जो रखते हैं, उनका जॉब के प्रति ज़्यादा फोकस रहता है। वो जॉब में ज़्यादा अपने आप को सक्सेस समझते हैं कि उनका मानना ये है कि जॉब ज़्यादा बेटर होती है बिजनेस के अकॉर्डिंग। और वो जॉब में ज़्यादा हमने देखा है कि जॉब के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है और जॉब उनको स्टार्टिंग में जो मिलती है वो उन्हें नॉर्मल मिलती है, मतलब उनके लेवल तक की नहीं मिलती है। उन्हें जैसे उनका लेवल होता है उस हिसाब से उनको जॉब भी नहीं मिलती है, नॉर्मल लेवल की जॉब मिलती है। लेकिन आगे जाके वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अपना जॉब से अपना घर तक खरीद लेते हैं और कई सारी चीज़ें भी वो प्राप्त कर लेते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स की बात करें तो अजय नाम के व्यक्ति फ्रेंड्स उनके काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके काफ़ी सपोर्टेबल होते हैं और उन्हें हमेशा हेल्प करते हैं। उन्हें कभी भी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स की, हमेशा वो फ्रेंड उनके फ्रेंड्स हमेशा हेल्प करते हैं। और अजय नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो यारों के यार होते हैं, वो भी फ्रेंड्स के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उन्हें भी हमेशा फ्रेंड्स के टच में रहते हैं, हमेशा उनको कॉल्स हमेशा उनके अटैच में रहते हैं और फ्रेंड्स के प्रति वो उनका काफ़ी अच्छा लगाव रहता है और किसी को वह धोखा देने के लिए कभी सोचते नहीं है। अगर आप उनको कभी भी इमरजेंसी में भी कॉल कर रहे हैं तो अजय नाम के व्यक्ति ऐसे होते हैं इमरजेंसी में भी रात के 12 बजे भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे अगर वो आपको बहुत अच्छा दोस्त या आपको बहुत अच्छा साथी समझते हैं तो। अगर अजय नाम के फैमिली सपोर्ट की बात करें तो फैमिली सपोर्ट उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है। फैमिली सपोर्ट उनका जो उनका परिवार में जो लोग होते हैं तो उनका फैमिली सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है। कि फैमिली स्ट्रांग का मतलब कि उनको काफ़ी प्रेरित करते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप पढ़ाई कीजिए या आप आगे जॉब या बिजनेस कीजिए। लेकिन उन्हें कोई ऐसी फाइनेंशियल या फिर कोई ऐसी कोई पैसे से संबंधित सुविधा नहीं दी जाती है अजय नाम के व्यक्ति को फैमिली की तरफ से, लेकिन उनको सपोर्ट किया जाता है, पूरा गाइडेंस पूरी की जाती है कि वो आगे बढ़ सके और ना किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर अजय नाम के हॉबीज़ की बात करें तो अजय नाम के उनके हैबिट की बात करें तो उनको स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक रहता है और उन्हें ऐसे गेम पसंद होते हैं जहाँ पे मेहनत लगती है, उन्हें दिमाग से ज़्यादा उन्हें मेहनत वाले कामों में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है और उन्हें ऐसे कामों की हॉबीज़ भी उन्हें हैबिट भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन उनके अंदर हमने एक खामियाँ देखे हैं कि अजय नाम के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें थोड़ा खाने पीने का शौक रहता है। वह किसी चीज़ को अगर खाने पीने का थोड़ा सा भी अगर उन्होंने जैसे नाम गुटखा वगैरह या जो भी पदार्थ होते हैं जो मार्केट में जो तम्बाकू वगैरह हो गए, मतलब कोई भी ऐसी जो एल्कोहल चीज़ या कोई ड्रिंक वगैरह हो गया, उन्हें अगर किसी चीज़ का अगर शौक पड़ जाए तो वो उस शौक को बहुत ही आगे तक ले जाते हैं, उनको एक हैबिट पड़ जाती है। उनके संघर्ष की बात करें तो अजय नाम के व्यक्ति में संघर्ष जो देखा गया है उनका संघर्ष 23 से 24 साल तक कोई संघर्ष उनका ज़्यादा नहीं होता है। वो नॉर्मली अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं जैसे सभी लोग जीते हैं, सभी लड़के जीते हैं उसी तरीके से अपनी लाइफ को वो नॉर्मली तरीके से जी रहे होते हैं। उन्हें कोई ऐसा उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होता है या ऐसा उन्हें कोई बोलता नहीं है कि आप ये करो ऐसा करो। लेकिन जब वो 23 से 24 के ऊपर होते हैं तो उन्हें लगता है कि अब मुझे करना चाहिए। नॉर्मल लड़के होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट होता है या किसी ना किसी तरीके से, अजय नाम के व्यक्ति के ऊपर कोई सपोर्ट भी होता है तो भी वो अपने संघर्ष से या अपने जज्बात से वो आगे बढ़ते हैं और इतना अच्छा संघर्ष करते हैं कि एक अच्छा मुकाम हासिल भी कर लेते हैं।
अगर उनकी लाइफ की बात करें, उनके जीवन के बारे में बात करें, तो उनका जीवन जो होता है वो पूरा अच्छा बीतता है। उनका जो समय रहता है दिन ब दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। हम आपको एक जानकारी और दे दें, अजय नाम के व्यक्ति में हमने ये देखा गया है कि ज्योतिष के हिसाब से या साइकोलॉजी के हिसाब से हर अजय नाम का व्यक्ति का एक अलग ही नेचर तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका एक अलग ही पार्ट होता है। वो अपने आप को एक अलग ही रूप में ढंग डाल लेते हैं। अगर उनको लगता है कि हमें इस तरह से होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, तो प्रोफेशनल तरीके से हो जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमें गुंडेबाजी में होना चाहिए, गुंडेबाजी में हो जाते हैं। मतलब उनका एक अलग ही रूप देखा गया है अजय नाम के व्यक्ति को। मतलब रूप चेंज में बहुत आगे रहते हैं और वो अपने आप को बदलते रहते हैं समय के हिसाब से, और इतना अच्छा बदलते हैं कि आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। अगर उनके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, अजय नाम के व्यक्ति का पास्ट जो होता है, बचपन का जो समय रहता है, वो ठीक रहता है। उन्हें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। फैमिली में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन पैसे से संबंधित, लेकिन समय के साथ में फैमिली भी आगे बढ़ जाती है, फैमिली के पास में भी पैसा आ जाता है। लेकिन उनका पास्ट जो होता है, उन्हें तभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ठीक रहते हैं। उनका पास्ट जो रहता है नॉर्मल रहता है। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जैसे कॉलेज या स्कूल वगैरह में वो अपना जीवन बिताते हैं, तो उस समय उनका जो प्रेजेंट रहता है, फ्रेंड के प्रति लगाव ज़्यादा रहता है, पढ़ाई के प्रति भी उनका थोड़ा लगाव रहता है। उनका दिमाग चलता है, लेकिन उनका जो दिमाग चलता है वो ऐसी जगह पर चलता है जहाँ पर कोई काम अगर हमको पूरा करना है, फालतू बातों में या फालतू चीज़ों में उनका दिमाग नहीं चलता है, या उन्हें कोई ऐसी चीज़ों में दिमाग चलता है। उन्हें कंपटीशन करना बहुत अच्छा लगता है अजय नाम के व्यक्ति को, कि अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में अपने आप को प्रेजेंट करना है, कंपटीशन करना है, कि मुझे शो करना है कि मैं कुछ जानता हूँ या मैं कर सकता हूँ, उसको वो बहुत अच्छे से करते हैं। और वो किसी को शो भी नहीं कराते हैं कि मैं कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ या मैं आपके साथ में उस चीज़ को फाइट कर रहा हूँ कि मेरे पे आता है, आप पे नहीं आता है। अगर उनके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर उनका काफ़ी अच्छा रहता है। उन्हें फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही रहता है, फ्यूचर में वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं और जॉब या करते हैं। ज़्यादातर हमने जॉब के देखे हैं, जॉब से भी वो ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, जिससे कि वो अपना घर और वह गाड़ी वगैरह जो भी होता है सामान वो अपना ले लेते हैं, और फ्यूचर उनका एक तरह से नॉर्मल जाता है, नॉर्मल लाइफ जाती है, नॉर्मल तरीके से उनकी ज़िंदगी जाती है। तो अगर आप भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अगर आप भी अजय नाम के व्यक्ति हैं, या आपको लगता है कि अगर हमारी कोई बात आपको पसंद नहीं आई है, या आपको लगता है कि कोई बात हमको और ऐड करनी चाहिए थी, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं या आपको ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का आंसर आपको कहीं मतलब बहुत कम जगह पर मिला है, या जिन लोगों के पास मिला है वो बहुत अच्छा खासा चार्ज ले रहे हैं आपसे ज्योतिष से संबंधित प्रश्न पूछने पर, तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप यहां प्राप्त कर सकते हैं हमारी ज्योतिष संस्था टीम से। आपको हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम सहायता दे सकें व आपके साथ में हमेशा खड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हमने जाना है अजय नाम के व्यक्ति के ऊपर कि उनके हर लाइफ से संबंधित, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनके नेचर से संबंधित। धन्यवाद।